दोस्तों अब चलिए मैं आपको उस सेटिंग के बारे में बताता हूं जिसको आप यूज करके, जिसको आप चेंज करके आप अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, हमेशा के लिए आप इससे छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि गाइस हमारे फोन में रैम कम होता है जिसकी वजह से हमारा फोन हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है। दोस्तों आपको अपने फोन के एनिमेशन को बंद करना होगा, ठीक है। अगर आप 1 GB रैम का फोन यूज करते हो, 2 GB रैम का फोन यूज करते हो, तो दोस्तों आपको अपने फोन के एनिमेशन को बंद कर देना चाहिए, आपका जो फोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा। इसके लिए गाइस आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। अब आपको यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग मिलेगा रिमूव एनिमेशन का, ठीक है, आपको यहां से इस सेटिंग को ऑन कर देना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो हमारे फोन का जो एनिमेशन है वो बंद हो चुका है और हमारा फोन काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। क्योंकि गाइस जब भी हम फोन के किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन ओपन होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारा फोन रुक रुक के चलता है, लैग करता है, हैंग हो जाता है। तो सिंपली गाइस आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है, यानी आपको अपने फोन के एनिमेशन को बंद कर देना है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो मैंने फोन के एनिमेशन को बंद कर दिया है, हमारे फोन के जो एप्लीकेशन है काफी फास्ट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपको अपने फोन के एनिमेशन को बंद कर देना है। अब दोस्तों काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि यार हमें एनिमेशन को बंद नहीं करना है, तो दोस्तों आप एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप पूरे एनिमेशन को मत बंद करो, आप उसको आधा कर दो, ठीक है। तो दोस्तों तब भी आपके फोन का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको फिर से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको इससे पहले इस सेटिंग को बंद कर देना है, जो हमने ऑन किया था इसको हमने बंद कर दिया है। अब आपको अबाउट फोन में जाना है, ठीक है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको वर्जन पे क्लिक करना है, आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर, आपको इस पे 7 times टैप करना है। जब आप 7 times टैप करोगे तो आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग को फिर से ओपन करना है, आपको यहां पे मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, आपको सीधा नीचे आना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहां पे 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन जूम, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, आपको इन तीनों को चेंज करना है, ठीक है। आपको सिंपली विंडो एनिमेशन स्केल पे क्लिक करना है, इसको आपको 0.5x पे टिक कर देना है, यही काम आपको इन दोनों में भी करना है, 0.5x पे सेट कर देना है। तो दोस्तों यहां पे हमने एनिमेशन को आधा कर दिया है, आप यहां पे देख सकते हो हमारे फोन का जो एनिमेशन है वो आधा हो चुका है और तब भी हमारा जो फोन है वो काफी फास्ट काम कर रहा है। सिर्फ आपको यही काम अपने फोन में करना है, आपको सबसे पहले अपने फोन के एनिमेशन को बंद कर देना है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि बिना एनिमेशन का हमारा फोन अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है और एनिमेशन को कंट्रोल करके उसको 0.5x पे सेट कर देना है, तब दोस्तों आपका जो फोन है काफी परफेक्ट काम करेगा। आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो फोन है काफी परफेक्ट काम कर रहा है। इस तरह गाइस आप अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो, यही परमानेंट सोल्यूशन है। चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, आपको ये जो सेटिंग है सभी फोनों में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जो बताना कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।